बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर के फैंस के लिए गुड न्यूज़ है। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद 20 मार्च को लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएशन हॉस्पिटल में एडमिट कनिका कपूर अब फाइनली पूरी तरीके से ठीक हो गई है। कनिका की लगातार दूसरी रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई है। इससे पहले लगातार कनिका कपूर की 5 रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और उनके हालात सीरियस थे। हालांकि अब कोरोना से पूरी तरीके से जीत हासिल कनिका ने कर ली है। घर लौटने के बाद भी कनिका को अभी सतर्कता बरतने को कहा है। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर की सलाह पर कनिका कपूर अपने घर में अभी भी 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहेगी और ना किसी से मिल पाएगी ना उन्हें किसी से मिलने की इजाज़त है। कनिका कपूर की लगातार कई रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनके परिवार वाले काफ़ी परेशान हो गए थे। डॉक्टर का कहना था कनिका अब एकदम ठीक है और उनमें कोरोना के अभी कोई भी लक्षण नहीं है। 6वीं बार उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, इसलिए अब की बार उन्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि कोरोना के पॉजिटिव पाए जाने के बाद कनिका कपूर पर कई सवाल उठे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री से लेकर एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर दी थी जिस पर कई सवाल उठे थे। उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर उन्हें काफ़ी ट्रॉल किया गया था और उनके खिलाफ कई केस भी दर्ज होने की बात थी। फिलहाल अब कनिका कपूर नेगेटिव रिपोर्ट के साथ अपने घर आ चुकी है और 14 दिन के क्वारंटाइन में है। रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताएं। सब्सक्राइब करें देखो देखो और भी खबर जानने के लिए।